दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। कैलकुलेशन में जोड़ना और घटाना सीखने के बाद अब नंबर आता है गुणा और भाग का। और जैसा कि आप सब जानते हैं, गुणा और वर्ग बेसिकली दोनों एक ही चीजें हैं। वर्ग और गुणे में फर्क केवल इतना है कि जब हम वर्ग की बात करते हैं तो दो समान संख्याओं का गुणा होता है, और जब हम केवल गुणे की बात करते हैं तो दो अलग अलग संख्याओं का गुणा होता है। बैंकिंग हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, जब कभी भी उसमें सिंप्लीफिकेशन का कोई भी सवाल ऐसा आता है जिसमें गुणे का या वर्ग का इस्तेमाल किया गया है, तो उसमें कुछ एक बहुत निश्चित ट्रैक पर ही सवाल पूछे जाते हैं। वैसे आपको ऐसी संख्याओं का वर्ग करना बहुत सारे बच्चों को पता होगा जिनके इकाई अंकों का योग, जिनका इकाई अंक क्या होता है, 5। लेकिन वो जो आप करते हो वो क्यों होता है और उसका इस्तेमाल हम गुणे में कैसे कर सकते हैं, शायद अभी तक ऐसा वीडियो भी आप लोगों ने न देखा हो। आज हम चर्चा करते हैं इस पर विस्तार से। पहला क्वेश्चन जो हमने उठाया हुआ, इसमें ऐसी सारी संख्याएं लिखी हुई हैं जिनका इकाई अंक 5 है और हमें ऐसी संख्याओं का वर्ग करना है। अगर इकाई अंक 5 है और ऐसी संख्याओं का वर्ग करना है, इसका मतलब 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 गुणे 35। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इसका इकाई अंक भी है 5, इसका इकाई अंक भी 5, मतलब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 10। अब इस 10 को हम 10 न लिख करके इस 1 के हासिल को हम ले लेते हैं, तो ये संख्या हमारी कितनी थी, 3। तो 3 और 3 से 1 ज्यादा मतलब कितनी हो जाएगी, 4, और यहां हो जाएगा 5 गुणे 5, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 1225। हमने किया क्या, अगर सिंपली मैं इस तरीके को ना देखूं तो यहां पर क्या है, 3, तो 3 चौके 12 और 5 25, सिंपली हम बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यही चीज यहां पर हो जाएगी, इसका मामला कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 और लास्ट में 25, मतलब उत्तर कितना, 90 25। इसकी बात करेंगे, अब ये संख्या कितनी है, 13 है, तो मतलब 13 में मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, 14 का। तो 13 में अगर मैं 14 का गुणा करूंगा तो 13 गुणे 14 और 25, 13 चौके 52, ये 13 एक 13 5 18, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 18225। इसकी बात करेंगे, फिर यही 24 गुणे 25 और यहां पर फिर वही 25। अब देखिए 25 का गुणा करने के इसमें दो तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इकाई अंक 5 वाली संख्या आती है तो यहां से 25 है तो 25 में से 4 अलग करें। अगर मैं इसको 4 अलग करूं तो मैं कुछ सवाल को ऐसे बना देता हूं, ये और ये कितना है, 25। अब ये वाला जो डाटा है मेरा, ये टोटल किसके बराबर है, 100 के बराबर, मतलब ये पूरा मामला हो जाएगा 625। अगर इसकी बात करें तो फिर वही चीज यहां पर आ जाएगी, 35 गुणे 36 और लास्ट में 25। अब 35 है तो 35 में अगर मैं इसको 2 दे दूंगा तो ये 35 दुनी 70, यहां पे 18 बचेगा और 18 सत्य कितना होता है, 126, 10 और 25। ठीक है, ऐसी चीज 44 गुणे 45 और लास्ट में 25, फिर 2 यहां दे दो तो 45 दुनी 90, यहां 22 बचेगा, तो 22 में अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो 9 दुनी 18 19, 1980, 25। 54 में फिर वही बात, 54 गुणे कितना 55 और लास्ट में 25, 55 में इस 54 से मैं 2 दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 110। यहां कितना बचेगा, 27, तो 11 सते 77, 11 दुनी 22 और 7 29 70 25। इस तरीके का इस्तेमाल करके आप कोई भी ऐसी संख्या, जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा, आप कोई भी पेपर उठा करके, प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखिएगा, उसमें जो भी सवाल आए होंगे अगर उसमें संख्या बड़ी है तो या तो वो संख्या खुद 5 होगी या 5 से 1 कम होगी। 5 से 1 कम होने में फायदा क्या होगा कि हम जब जैसे यहां 24 था, 24 में मुझे किसका गुणा करना है, 25 का गुणा करना है, तो 24 में जब मैं 25 का गुणा करूंगा तो मुझे ये 5 वाला तरीका यहां पर वापस मिल जाएगा। ठीक है, यार जैसे 54 है तो 54 में मुझे किसका गुणा करना है, 55 का। तो जब भी कभी कोई ऐसा सवाल आता है जिसका इकाई अंक 5 हो और उसका वर्ग करना हो तो हमें कुछ नहीं करना, 5 को छोड़ करके जो बाकी बची हुई संख्या है वो और उससे एक बड़ी संख्या का गुणा करना है और लास्ट में मुझे कितना लिख देना है, 25। आइए देखते हैं इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए इसका हम गुणे में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये सवाल देखिए, इस सवाल में अगर मैं देखूं तो यहां पर भी वही हाल है, 2 और 8 ये कितना है, 10,
और इसको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी के अंक क्या है, समान, मतलब बाकी दोनों जगहों पे क्या है, चार चार। यही चीज यहां पे थी, पांच और पांच दस, बाकी के अंक क्या थे, समान। मतलब इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, चार गुणे पांच और दो गुणे आठ, मतलब इसका उत्तर 2016। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां भी ये सात तीन दस, तो क्या मामला हो जाएगा, 15 गुणे 16 और 3 गुणे 7, तो 15 गुणे 16 तो 15 दुनी 30, तो मतलब 30 में 8 का गुणा, मतलब 240 और 3 सते 21, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर वही चीज, 24 गुणे 25 और 6 चौके, चूंकि यहां भी योग 10 था, 6 चौके 24। अब 24 में 25 का गुणा करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, 25 के लिए 4 को अलग करो, 6 बचेगा, तो 25 चौके 100 और 6 और 6 100 24 इसमें गुणा करें। अब यहां पर देखिए, ध्यान रखिएगा इस बात का, यहां पर आपने कितने कितने अंक लिए हैं, 16, दो अंक थे, 21 दो अंक थे, 24 दो अंक थे। अब यहां अगर मैं 1 और 9 का गुणा करूंगा तो केवल 1 अंक आएगा, और जब 1 अंक आएगा तो हमें उसे कितने अंक बनाना है, 2 अंक बनाना है। तो यहां पर क्या स्थिति बनेगी, 35 गुणे 36 और यहां पर ये रहेगा 9, तो हम इसको क्या कर देंगे, 0 9। अब 35 में 36 का गुणा करना, मतलब 35 दुनी 70। अब यहां पे अगर 18 है तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126, तो वही 126 1260 और ये 0 9। इसकी बात करें अगर तो यही बात, 45 गुणे 46 और 8 दुनी 16, 45 दुनी 90 बचेगा कितना, 23, तो 9 3 27, 9 2 18, 2 20, 2070 और ये 100। चलिए सवाल की बात करते हैं, 563 और 567, यहां पर क्या है, 3 और 7, यहां पर भी कितना है, 10, मतलब पूरा मामला कितना है, 56 गुणे 57 और यही कितना हो जाएगा, 21। दोस्तों जब भी ये 56 गुणे 57, ये दोनों की दोनों संख्या किसके नजदीक है, 50 के, 50 के नजदीक संख्याओं को गुणा करने का एक अलग हम वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। 56 50 से 6 जाता, 57 7 जाता, तो ये 7 6 कितना हो जाएगा, 42, और 42 के बाद ये 56 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 63 और 63 का आधा, तो जब 63 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 31.5, ये 5 इधर जाके बना देगा 92 और ये कितना हो जाएगा, 31। मतलब आपका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 31 92 21। ठीक है, यही हाल यहां पर है, 6 4 10, इसका योग भी 10 है, मतलब यहां पर मामला कितना है, 98 गुणे 99 और 6 चौके 24। अब 98 में 99 का गुणा, यहां पे भी वही हाल, ये 100 से कितना कम है, 2, 99 100 से कितना कम है, 1, 2 1 कम 2, 98 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 97, मतलब इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 97 02 और ये कितना हो जाएगा, 24। दोस्तों आज हमने सीखा ऐसी संख्याओं का वर्ग और गुणा करना जिनके इकाई अंकों का योग 10 है तथा शेष अंक क्या है, समान। बहुत सारे बच्चों को हमारी ये बात पता रही होगी, लेकिन ये होता क्यों है उसका रीजन भी आज आपने देखा, और इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम गुणे में इसका कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपने देखा। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे 41 से 50, 51 से 60 तक की संख्याओं का गुणा और वर्ग करना, इसके अतिरिक्त 100 के नजदीक और 50 के नजदीक संख्याओं का गुणा और वर्ग करना। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं, कोई कमी नजर आई है वो भी बताएं। थैंक यू, जय हिंद।